बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आई एम फराज लानी एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल रेमेडीज विद फराज लानी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदालती बेलफ क्या होता है, अदालती बेलफ कब कब जारी होता है, अदालती बेलफ के इख्तियारात क्या हैं, किन मुकदमात में अदालती बेलफ का तकर्रुर किया जाता है, बेलफ की इब्तदा कब हुई, क्या बेलफ जारी करवाने के लिए कोई फीस भी अदा करना होती है या नहीं। जब कोई शख्स अदालत में कोई दरख्वास्त दायर करता है और उस पर डिग्री लेता है, तो उस अदालती डिग्री पर अमल दरामद करवाने के लिए दरख्वास्त करता है कि इस डिग्री पर अमल दरामद करवाई जाए, क्योंकि अदालत हर जगह खुद जाकर अपने किसी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, इसलिए कि अदालत का अपना एक डेक्रम होता है, इसलिए वो अपना एक नुमाइंदा जिसको तमाम तर अदालती इख्तियारात हासिल होते हैं को मुकर्रर करती है कि मौका पर जाकर अदालती हुक्म की तामील करवाए। अदालती बेलफ ऐसा अदालती मशीर और नुमाइंदा होता है जो अदालत की तरफ से मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर उसके ग्रीवियंस का अजाला करने के लिए जारी किया जाता है। बेलफ की इब्तदा 11वीं सदी के दौरान इंग्लैंड में हुई, जहां अदालतें कानूनी मसाइल से ज्यादा इंतजामी अमूर को हैंडल करती थीं। बेलफ अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करने और उन असासों के इंतजाम करने के जिम्मेदार थे जिन पर अदालतों का कंट्रोल था। इस तरह बेलफ एक निगरान, एक मुहाफिज या एक मैनेजर के तौर पर भी जाना जाता था। एक बेलफ अदालत का नफाज करने वाला शख्स था और इसके पास कुछ सत्ता का इख्तियार था, लेकिन जैसे वक्त के साथ साथ अदालतों का किरदार बदलता रहा, बेलफ का किरदार बहुत कम तब्दील हुआ। रियासत-ए-हाय मुत्तहिदा में एक बेलफ को शेरिफ, मार्शल, एक इस्लाही अफसर या अदालती अफसर के तौर पर भी जाना जाता है। जैसा कि किसी केस को साबित करने के लिए बाज़ औक़ात केस की समाप्त करने वाले जज के लिए जरूरी होता है कि वो जाती तौर पर किसी जगह या अहाते का दौरा करे या अदालत के अहाते के अलावा किसी और मुकाम पर जाती तौर पर हकीकत की जांच करे। आजकल अदालतों पर मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी एक जज के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ एक केस के लिए अदालत से बाहर जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अदालती बेलफ का तकरर केस की समाप्त करने वाली अदालत करती है। पाकिस्तान में अदालती बेलफ अपने तमाम तर अख्तियारात और फराइज को जज की तरह इस्तेमाल करता है। अगर केस की नोयत ऐसी है कि मुतासरा फरीक का मसला सिर्फ उसी सूरत में हल हो सकता है जब अदालत से बेलफ का तकरर किया जाए, तो इन मामलात में अदालत बेलफ जारी करती है। अदालत के अलावा कोई दूसरा महकमा या अथॉरिटी बेलफ का तकरर नहीं कर सकता। इसके लिए क्लाइंट को किसी वकील की खिदमात हासिल करना होती है ताकि वो वकील आपको अदालत से बेलफ जारी करवा कर दे सके। पाकिस्तान में किन मुकदमात में अदालती बेलफ का तकरर किया जाता है? तो सबसे पहले थाने में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद शख्स की बाजियाबी के लिए, नाबालिग की गैर कानूनी या गलत हिरासत की बाजियाबी के लिए, गैर कानूनी कब्जा शुदा जगहों की बाजियाबी के लिए और किसी खास हकीकत या सच्चाई के मुशाहिदे के लिए बेलफ जारी किया जाता है। पुलिस ने अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में अदालत अपना नुमाइंदा भेजेगी कि फलां शख्स को बरामद करवा कर अदालत में पेश किया जाए। बेलफ दरख्वास्त गुजार के साथ थाने में जाकर सबसे पहले मुहर्रर से रोजनामचे वाला रजिस्टर लेता है, उस पर अपनी एंट्री दर्ज करता है और इसमें उस शख्स का नाम भी तलाश करता है जिसको बाजियाब करवाना होता है। अगर मुहर्रर इनकार कर दे तो वो मुहर्रर से पूछगिछ करता है कि फलां शख्स कहाँ है और उसे थाने में भी तलाश कर सकता है, और अगर ये कार्रवाई अदालती वक्त के अंदर अंदर पूरी हो जाए तो बेलफ इस शख्स को अदालत में ले जाकर पेश कर देता है। लेकिन अगर अदालती वक्त खत्म हो गया हो तो बेलफ रोजनामचे में अपना इंदराज करेगा और पुलिस को पाबंद करेगा कि कल इस शख्स को लेकर अदालत में पेश हो। इसी तरह अगर किसी नाबालिग शख्स को हब्से बेजा में रखा गया हो तो उसको बाजियाब करवाने के लिए भी दरख्वास्त गुजार अदालत से बेलफ के ऑर्डर ले सकता है। किरायादारी के मामलात में भी अगर किरायेदार से कोई घर या दुकान वगैरह खाली करवाना हो तो रेंट कंट्रोलर से बेलफ जारी करवाया जा सकता है। बेलफ को ये इख्तियार होता है कि अगर घर या दुकान पर ताला लगा हुआ हो तो वो ताला तोड़कर और सामान बाहर फेंक कर भी घर या दुकान का कब्जा दिलवा सकता है। इसी तरह अगर माँ बाप के दरमियान कोई झगड़ा हो गया हो और बच्चा किसी एक के पास रह रहा हो तो उसकी मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया जाता है और ये मुलाकात मुकर्रर दिन और वक्त पर करवाने के लिए भी बेलफ को इख्तियार दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई गैर कानूनी काबिज हो तो उससे कब्जा छुड़वाने के लिए भी बेलफ मुकर्रर किया जा सकता है। अगर बेलफ को किसी मामले में दूसरी पार्टी की जानिब से मुजाहमत का खतरा हो तो वो अदालत को इतला देकर पुलिस की मदद भी तलब कर सकता है। अदालत किसी भी शख्स को या आम तौर पर अपने अमले में से किसी को बेलफ के तौर पर मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। वो शख्स अदालती रीडर, अहलमद या फिर डेजिग्नेटेड बेलफ भी हो सकता है।
पाकिस्तान में अदालतें बैलफ के तकरर के लिए फीस का फैसला उस शख्स की मुशावरत से करती हैं जिसे बैलफ मुकरर किया जाना होता है, और ये फीस हमेशा पेशगी होती है और मशरूत फीस होती है, यानी कंडीशनल फीस होती है। अगर दरखास्त गुजार ने जो कुछ अदालत को कहा है वो सच हो और वो सच साबित हो जाता है तो बैलफ की वो फीस वापस की जाती है, और अगर गलत हो तो फीस जब्त हो जाती है। और बाज मामलात में फीस होती ही नहीं, जैसा कि बच्चों को माँ या बाप से मिलवाना हो तो वो मुलाकात अदालती ऑर्डर के जरिए करवाना पड़ती है, ऐसी सूरत में फीस जमा नहीं करवाई जाती। अगर कोई बैलफ की कार्रवाई में रुकावट डालता है या उसकी नाफरमानी करता है या मुजाहमत करता है तो वो कानून की नजर में अदालत की नाफरमानी करता है। ऐसे शख्स को फौजदारी मुकदमा और तोहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, और अगर वो शख्स माफी मांग भी ले फिर भी माफी के बावजूद कुछ ना कुछ सजा जरूर होती है। अगर कोई बैलफ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे और रिश्वत ले या किसी डर या बहकावे में आकर कोई गलत काम करता है, मसलन अगर ए ने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ हो और बी ने बैलफ जारी करवाया हो, तो वो बैलफ ए के पास जाकर उसे अदालती कागजात या ऑर्डर दिखाए, लेकिन ए उससे ये कहे कि ये कागजात तो मेरे हैं ही नहीं, किसी और के हैं और मैं ये प्रॉपर्टी कैसे खाली कर सकता हूँ, और बैलफ बी से पैसे लेकर ए से हर हाल में प्रॉपर्टी खाली करवाए, तो ऐसी सूरत में बैलफ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप 15 पर कॉल करके बैलफ को गिरफ्तार भी करवा सकते हैं और FIR भी कटवा सकते हैं, ऐसी सूरत में बैलफ को सजा हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।